आगे क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोंगे, जो आप सब ठीक होंगे। सो आज का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग अभी कोऑपरेटिव मार्केट में, क्योंकि मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया था, बट इनका जो है ना, मुझे तो शायद वाइट सलवार का रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं था, हम घर पे गए, मेरे पास कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग रेडीमेड क्लियर रेडीमेड का ऑल्टर कर रहा हूँ, ड्रेस ऑल्टर हो रहा है, और ये इसके साथ मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग। नहीं, बाद में दिखा, अच्छा थोड़ी सी दिखा रही हूँ। चले ड्रेस के साथ इनकी मैचिंग वास्ते रेडी होगी, मैंने बोला हमेशा मैचिंग पहनते हैं माशाल्लाह, इसलिए मैचिंग लिए मेरी लेनी है चूड़ियाँ, अभी चूड़ियाँ भी लेनी है, मेरे को थिनर लेना है, नेल पेंट में चेंज करना है अपना। हाँ, अब आपके वो एरिया के जो मार्केट है वहाँ से मिल जाता है क्या चूड़ियाँ वगैरह? मिलती हैं? नहीं, चूड़ियाँ नहीं मिलती, चूड़ियाँ यहाँ से बकाया सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से चूड़ियाँ के सामने कॉस्मेटिक वाली दुकान, चलो वहाँ से देख लेंगे फिर। हाँ, सही है, चीज़ें सारी ड्रेस वैसे भी चलते, बहुत लेट हो गया। आज ये अपना करेगी मेहंदी का मेक ओवर, आप सबने देखना कैसा हुआ है, ठीक है, खुद करना, ठीक है, और मेकअप मैं करूँगी, और बाकी जो आगे का इवेंट है वो इनके चैनल पर मिलेगा। मजा आने वाला आज खूब ज़्यादा, शादी में पता खाना नहीं खा पाते आज तो बिल्कुल भी, जितने दिन प्रोग्राम थे पूरा दिन भूखी रहती थी, इवन जिस दिन बारात थी तो तब भी खाना नहीं खाया, हालांकि भाई ने टेबल लगवाया था हम दोनों, लेकिन दिल नहीं था कर रहा, लेकिन खाया नहीं, फिर रात में से पिज्जा मंगवाया था, क्योंकि असल में ऐसा होता है कि अपनी शादी पे इंसान को थोड़ी बहुत टेंशन, और वैसे भी कहते नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, भूखा मर जाए इंसान, बेहोश हो जाए, दूल्हा भी होश हो जाए, दुल्हन भी होश हो जाए, फिर किसको कोई मसला हो, लेकिन हमारे में तो इतनी कैपेसिटी थी, हमने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से लेकर रात तक, नहीं ना, लेकिन जब मतलब कि खाना आया भी ना सामने, नहीं खाया गया, अपनी शादी की ना टेंशन होती है, सारे प्रोग्राम अच्छे से होते हैं, सारे मेहमान अच्छे खुशी खुशी जाएं, और आज भी लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ हमारी शादी थी, उसके साथ वाला हॉल है, तो बड़ा मज़ा आने वाला, आगे का भी लोग मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, तैयारी का भी लोग इनके चैनल पे, ठीक है। चूड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, मुझे लग रहा है यही शॉपिंग होती रहेगी, हम पहुँचे, नहीं नहीं जल्दी चले आए, हम 10 मिनट में तो रेडी हो जाएंगे। सो भी हम लोग आ चुके हैं घर पे, और मैं ड्रेस पहन लिया, सॉरी मैं ड्रेस दिखा नहीं पाई थी, अभी दिखाती फुल मेकअप करवा के, और ये भी रेडी हो रहे हैं, तो अभी नीलम भी आई हुई, नीलम हाय फ्रेंड्स, तो नीलम के चैनल पे आप लोगों ने जाना है, खूब सारा सपोर्ट करना है, एमा ब्यूटी ब्लॉग मेरे चैनल का नेम है, तो आप जरूर मेरे चैनल पे आके और विजिट भी करना, कमेंट मैं नीलम का कमेंट पिन कर दूंगी, तो लाजमी सबने जाना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना है, और आंटी भी आई हुई है, एक ही दफा लगा लेना, फिर बाद में कहाँ निकलते होकर लगा। तो अभी जो है ना मैं करवाने लगी हूँ मेकअप, और मेकअप का व्लॉग फुल यहाँ से देखोगे आप, और बाकी के इवेंट का व्लॉग जो है ना वो आपको मेरे हस्बैंड के चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ पर जाना है, वहाँ का फुल व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय करना है, और बताना ड्रेस कैसा लग रहा है। ये मेरे वरी का सूट था जो कि मैंने स्टिच करवाया, और इसी के साथ की जो ना मैचिंग की बास्केट, जिसके लिए हम बहुत सारा कवा रहे 2 घंटे, तो अभी जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, साथ पूरा मेकअप दिखाती हूँ आप लोगों को, और मेरे साथ ही बने रहिएगा। सो भैया मेकअप हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ पर जो ना बेस लग चुका है, बंद है, यहाँ पे हो रहे हैं आईब्रोज, और मैंने ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहना, एक तो आप लोग भी पसंद नहीं करते, उसे मैं पहले सब बोलते को मैं इतना हैवी ड्रेस पहन ली, मुझे वैसे भी जरा लाइट ही पसंद है, और इसी वजह से ये बस ड्रेस स्टिच कर मैं पूरा रेडी हो जाऊँगी, फुल ड्रेस दिखाऊंगी, उसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। तो मेकअप यहाँ पर हो चुका है मेरा, सॉरी पूरी वीडियो नहीं बना पाई कि बहुत लेट हो गया है, तो बस जल्दी जल्दी में जो लोग रेडी हुए हैं, बताना कैसा लग रहा है मेकअप। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉल में, और बताना मैं ड्रेस कैसा लग रहा है, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो, इधर इस साइड टर्न मारो जरा, हमने ये देखा था बस, हमें ये ना गिलासों की वैसे ना सही नहीं था लगा, क्या है ये भी प्यारा, तो कैसे लग रहा है वी आर टुगेदर, इन फर्स्ट शादी होगी हमारी है ना, शादी के बाद हम दोनों एक साथ। हाँ। और आपने मुझे बोला था याद है कि जब हमारे शादी हो जाएगी इसके बाद हमारे कज़न की शादी होगी तो उसमें हम दोनों साथ होंगे, तो आज साथ हैं हम, अभी तक कोई भी नहीं आया, और भाई इतनी जल्दी लगाई, चलो 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 चलो, तो हम लोग तो स्टेज पे बैठ बैठ के चले गए, कोई भी नहीं आया, ये साफ कर रहा है पूरा हॉल साफ करेगा, और यहाँ पे एक्सक्यूज मी मॉम, मॉम हाउ आर यू, मॉम की आईज हो रही है रेड रेड, ऐसा सूट तो मेरा भी है,
अच्छा मॉम एक्सक्यूज मी हेलो अच्छा ये अभी सही पकड़ में आया आप फिर यूट्यूब वाले ही होंगे हम लोग नहीं होंगे कोई बात नहीं हमारी फैमिली फैमिली तो है लेकिन फिर वही इंडिया के लग रहे हैं किसी ने मंगवाना भाभी से रास्ता करे ऑनलाइन भी काम करती है ये हर किसी को बसाती जा रही ये ना लोग पकड़ पकड़ के हमें ऑनलाइन मंगवा चले जी आ गए दूल्हे वाले भी आ गए दुल्हन वाले भी बारात भी आ गई है क्या दूल्हा आ गए फटाफट से बनाकर जो ना मैं एंड कर देती हूँ बाकी आगे का ब्लॉग आपको इनके चैनल में मिलेगा खूब सारा प्यार देना ऐसे ही हमें बहुत मुश्किल है पता है क्यों अभी सॉन्ग चल रहा है और कॉपीराइट ना आ जाए पहले मेरे दो कॉपीराइट पड़े और मेरी अपनी ही शादी पे पड़े थे मेरी अपनी वीडियोस पे तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि पूरा टेबल बुक कर लिया क्योंकि फिर हम लोग को जगह नहीं मिलनी थी नहीं जगह तो मिल जाती लेकिन ऐसे मतलब कि सब साथ नहीं बैठ सकते तो वो तो है पीछे टेबल पे हम बैठे थे साथ ही थे मैं बोला ये वाला टेबल सही सही परफेक्ट हो गई है ना हम लोगों ने दो घंटे लगाए ऐसे नहीं बोला वो बोलेंगे इसलिए लेट हुए बंदा महंगा दे रहा है ऐसा शायद हो सकता है एक और प्रिंट मिल जाए वो मार्केट में देगा मिले नहीं फिर उसी लेना पड़ा पूरी मार्केट घूमे कॉपरेटिव मार्केट